मूवी का स्टार्ट लॉस एंजलिस के एक ऐसे एरिया से होता है जहां पर लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं और हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि काफी बड़े स्पाइडर ने वहां पर अटैक कर दिया है और वही स्पाइडर इस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है और उसे मारने के लिए वहां पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी आए होते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होकर कुछ टाइम पहले जाता है जहां इस इंसिडेंट से पहले की कहानी शुरू होती है। वहां पर हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो कि एक टर्मिनेटर होता है और वो एक लेडी के घर में एक चूहा पकड़ने आया था। एलेक्स जब उस लेडी के घर में चूहा पकड़ लेता है तो बदले में वो लेडी उसे एक केक गिफ्ट करती है। तभी उस लेडी को एलेक्स के ऊपर एक छोटा सा स्पाइडर दिखता है जिसके बारे में वो एलेक्स को बताती है। तब एलेक्स उसे देखकर पहचान लेता है कि ये एक जहरीली मकड़ी है। तब वो लेडी चप्पल से उस मकड़ी को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं मार पाती और वो मकड़ी एलेक्स को काट लेती है। इसके बाद एलेक्स एक हॉस्पिटल जाता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। फिर उसी हॉस्पिटल की हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपनी लैब में होता है और उसी लैब में एक डेड बॉडी को बैग में रखा हुआ था और तभी अचानक से उस बैग में मूवमेंट होने लगती है। अब ये देखकर वो डॉक्टर घबरा जाता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी अचानक से उस रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है। इसी दौरान एक बड़े साइज की मकड़ी उस डॉक्टर को भी काट लेती है जिससे वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल की फायर अलार्म को बजा देता है जिसे सुनकर हॉस्पिटल के सारे मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। तभी वही डॉक्टर हॉस्पिटल के ऑनर के पास आता है और वो उसे बताता है कि मुझे काफी बड़े जानवर ने काट लिया है और उसके पैर बिल्कुल किसी स्पाइडर की तरह ही लग रहे थे लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। अब एलेक्स भी उनकी बातें सुन रहा था। वो उन लोगों को बताता है कि डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि कुछ स्पाइडर्स का साइज वाकई ही काफी बड़ा होता है। फिर एलेक्स हॉस्पिटल के ऑनर को कहता है कि अगर आप मेरा बिल पे कर देंगे तो मैं उस स्पाइडर को ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकता हूं। तब हॉस्पिटल का ऑनर उसकी बात मान लेता है जिसके बाद एलेक्स कुछ वेपन्स लेकर स्पाइडर को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के वार्ड में जाता है। एलेक्स की हेल्प करने के लिए उसके साथ इस हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड भी जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्मी पूरे सिटी में किसी चीज को ढूंढ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद मेजर और उनकी साथी कार्ली अपने टास्क फोर्स के साथ उस हॉस्पिटल में आती है। फिर एलेक्स जब स्पाइडर को पकड़ने के लिए अंदर जाता है तो वो दिखता है कि वो मकड़ी तो पूरी डेड बॉडी को खा चुकी है। तब आसपास चेक करने पर उसे पता चलता है कि एयर वेंटिलेटर खुला हुआ है जिससे वो समझ जाता है कि वो स्पाइडर उसी रास्ते से होकर बाहर गई होगी। इसीलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी सामान लेने के बाद वेंटिलेटर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मेजर हॉस्पिटल के ऑनर को कहते हैं कि यहाँ पर बाय मिस्टेक एक ऐसा पेशेंट आ गया है जिसे टच करने के बाद एक खतरनाक बीमारी तेजी से फैल रही है। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वेंटिलेशन के रास्ते से वो मकड़ी वहाँ पर आ जाती है और उस पेशेंट को वो बहुत ही बुरे तरीके से मार डालती है। उधर एलेक्स जब वेंटिलेटर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक जगह पर मकड़ी का काफी बड़ा जाल दिखता है लेकिन आज तक एलेक्स ने इस तरह का स्पाइडर का जाल नहीं देखा था। और जैसे ही वो अपना हाथ उस जाल के पास लेकर जाता है तो उसका हाथ उसी में ही फंस जाता है। तब एलेक्स किसी तरह अपना हाथ उस जाल से छुड़ाता है। अब यहाँ पर एलेक्स को एक बात तो समझ आ जाती है कि वो स्पाइडर काफी खतरनाक है जो लोगों को मारकर उन्हें खा रही है। फिर जब मेजर और उनकी टीम मकड़ी के मारे हुए इंसान को देखती है तो उनका प्रोफेसर उन्हें बताता है कि इसे उसी जानवर ने ही मारा है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मेजर अपनी टीम के साथ यहाँ पर उसी मकड़ी को ही ढूंढने आए थे। प्रोफेसर मेजर को कहता है कि हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढकर मारना होगा क्योंकि हर 24 घंटे के बाद 4 गुना उसका साइज बढ़ता जाएगा। एलेक्स मकड़ी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आ जाता है जहां पर उसे वो मकड़ी नजर तो आ जाती है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहां से भाग जाती है। तब एलेक्स उस मकड़ी को दोबारा से ढूंढने लगता है और तभी वो मकड़ी पीछे से उस पर अटैक करने आती है लेकिन तभी वहां मेजर के साथी कार्ली आकर स्पाइडर पर गोलियां चलाने लगती है लेकिन वो मकड़ी ट्रैश पाइप से होते हुए वहां से निकल जाती है। इसके बाद कार्ली एलेक्स को मेजर के पास लेकर जाती है जहां पर मेजर एलेक्स से उस मकड़ी के बारे में पूछने लगता है जिस पर एलेक्स कहता है कि वो स्पाइडर साइज में काफी बड़ी है और वो खतरनाक होने के साथ साथ चालाक भी है और पावरफुल भी है। तभी उनका प्रोफेसर मेजर को बताता है कि स्पाइडर अपनी दूसरी स्टेज पर जा चुकी है और 24 घंटे के बाद वो अपनी तीसरी स्टेज पर पहुंच जाएगी। तब ये सब कुछ देखकर एलेक्स घबरा जाता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर लेकिन मेजर उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से उसे जाने के लिए कहता है जिस पर एलेक्स डिसाइड करता है कि अब वो इस स्पाइडर के बारे में पता लगवा कर ही रहेगा और अब सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ चला जाता है। तभी सोशल मीडिया पर एक काफी बड़े स्पाइडर जिसका साइज करीब 6 फुट था उसकी वीडियो वायरल होने लगती है। ये देखकर वो प्रोफेसर कहता है कि स्पाइडर अपनी तीसरी स्टेज पर पहुंच गई है। फिर थोड़ी देर बाद मेजर के पास कॉल आती है
और कोई आदमी उसे उस स्पाइडर की लोकेशन बता रहा होता है। तब उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए मेजर अपनी टास्क फोर्स को वहाँ पर भेजता है, जहाँ पर उन्हें स्पाइडर के काफी बड़े बड़े जाल दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें वो स्पाइडर वहाँ पर नहीं मिलती। फिर इन्हें पता चलता है कि मकड़ी एक पार्क में जा रही है। इसके बाद एक पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडर आकर एक आदमी को मार डालती है और बाद में उसे खा लेती है। इसके बाद वो स्पाइडर एक छोटी बच्ची को मारने वाली होती है, लेकिन वो बच्ची वहाँ से हट जाती है और वो स्पाइडर पार्क में आए हुए लोगों पर अटैक करने लगती है। वो उनमें से कुछ लोगों को तो पकड़ लेती है और कुछ को मार डालती है। तब अपनी जान बचाने के लिए सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद मकड़ी एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी एलेक्स वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लोगों की जान बचाने के लिए स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ करता है, यानी उसे अपनी गाड़ी के पीछे लगा लेता है और अब मकड़ी उसकी गाड़ी के पीछे पड़ जाती है। तो एलेक्स अपनी गाड़ी वहाँ से भगाने लगता है। साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड उस स्पाइडर को शूट कर रहा था, लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एलेक्स के पास कार्ली की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि स्पाइडर को मारने के लिए आर्मी आगे खड़ी हुई है, इसीलिए तुम वहाँ से भाग जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद एलेक्स वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर मकड़ी को मारने के लिए मिलिट्री खड़ी हुई थी। इसके बाद एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से निकलकर एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं और यहाँ पर मिलिट्री उस स्पाइडर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो मकड़ी काफी चालाक थी, वो अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स की गाड़ी उन लोगों की तरफ फेंकती है। फिर वो एक काफी लंबा जंप करती है और उनके पीछे वाले जंगल में चली जाती है वो। तब उस मकड़ी को मारने के लिए कार्ली अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाने लगती है। तब एलेक्स भी उसके साथ जाने के लिए उसे काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कार्ली उसे अपने साथ ले जाने के लिए साफ इनकार कर देती है। अब जंगल में पहुंचकर कार्ली और उसकी टीम उस स्पाइडर को ढूंढने लगते हैं और मेजर उन पर लगे हुए कैमरा की मदद से सब कुछ देख पा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो स्पाइडर कार्ली के सभी साथियों को एक एक करके मारने लगती है। उसे मारने के लिए वो उस पर गोलियां भी चला रहे होते हैं, लेकिन उसका इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसी दौरान कार्ली का एक हाथ स्पाइडर के एक जाल में फंस जाता है। वो काफी कोशिश करने के बाद भी अपने हाथ को उस जाल से नहीं निकाल पाती। तभी एलेक्स वहाँ आकर एक नाइफ से उस जाल को काट कर कार्ली को वहाँ से निकालता है, लेकिन वो स्पाइडर उन्हें देख चुकी थी और उन्हें मारने के लिए वो आगे आती है। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आकर उस स्पाइडर पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे उन्हें एटलीस्ट भागने का मौका मिल जाता है। वो तीनों वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन स्पाइडर कार्ली को अपने जाल में पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन एलेक्स उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। इसके बाद वो जाता है मेजर के पास और कार्ली को बचाने के लिए उससे हेल्प मांगता है, लेकिन मेजर को लग रहा था कि अब तक स्पाइडर उसे मार चुकी होगी। तभी प्रोफेसर कहता है कि अब मकड़ी अपनी पांचवी स्टेज में पहुंचने वाली है। तभी ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि ये पांचवी स्टेज क्या है और वो स्पाइडर इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक कैसे बन गई। तब प्रोफेसर उसे बताता है कि हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डेड बॉडी को मंगवाया था, जिस पर स्पाइडर ने अपना जाल बनाया। उसके बाद हमने एलियन डीएनए को ग्रोथ हार्मोन्स के तौर पर यूज करने के लिए उस पर टेस्ट किया, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिसकी वजह से अब वो स्पाइडर साइज में बढ़ती जा रही है और उसके पांचवे स्टेज पर पहुंचने का मकसद ये है कि वो अपने साइज जितना एक मकड़ा रिप्रोड्यूस करेगी, इसीलिए अब उसे जल्दी रोकना होगा, मारना होगा। इसके बाद न्यूज पर दिखाया जाता है कि वो स्पाइडर सिटी एरिया में चली गई है, जहां पर जाकर वो तबाही मचा रही है और लोगों को भी मार रही है। इसके बाद वो स्पाइडर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़ जाती है और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। अब मेजर मकड़ी पर एयर स्ट्राइक करने का डिसाइड करता है, यानी हवाई हमला, जिसमें मकड़ी के साथ साथ वो बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एलेक्स उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के जाने जाने का खतरा था, लेकिन मेजर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बाहर निकाल देता है। तभी मेजर की टीम को पता चलता है कि स्पाइडर ने उस बिल्डिंग में अपने अंडे दिए हुए हैं, जिसमें से उसके बच्चे यानी बहुत सारे स्पाइडर्स निकलेंगे और अपने बच्चों को खिलाने के लिए बड़ी स्पाइडर ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़ रखा है, जिसमें मेजर की साथी कार्ली भी शामिल है, जो कि अभी जिंदा है। इसके बाद मेजर एलेक्स को ये सारी बात बताता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास 25 मिनट है कार्ली को बचाने के लिए। तब कार्ली को बचाने के लिए एलेक्स वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर मेजर को बताता है कि थोड़ी देर के बाद सारे स्पाइडर्स अंडों से बाहर आ जाएंगे, इसीलिए तुम्हें बगैर टाइम वेस्ट किए एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। लेकिन मेजर ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी साथी कार्ली और बाकी लोगों को बचाना चाहता था, इसीलिए वो प्रोफेसर की बात नहीं मानता। फिर थोड़ी देर के बाद एलेक्स और वो गार्ड बिल्डिंग में चले जाते हैं। जब एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर स्पाइडर के बहुत सारे अंडे दिखते हैं, जिनको खिलाने के लिए बड़ी स्पाइडर ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पकड़ कर रखा हुआ था। अब एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड सब लोगों को आजाद करवाने लगते हैं। एलेक्स कार्ली को भी आजाद करवा लेता है, लेकिन तभी अंडे से मकड़े बाहर आने लगते हैं और वो लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी एलेक्स किसी तरह सब लोगों को वहाँ से बाहर
निकाल लेता है और इसके बाद मेजर स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करवा देता है, जिससे वो स्पाइडर बिल्डिंग से गिर जाती है, जिससे सब लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो मकड़ी अब मर चुकी है। कार्ली और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए मेजर एलेक्स को थैंक्स बोलता है, लेकिन तभी मकड़ी उठकर दोबारा खड़ी हो जाती है। तभी ये देखकर एलेक्स सिक्योरिटी गार्ड को अपना रॉकेट लॉन्चर लाने के लिए कहता है और खुद वो स्पाइडर के बिल्कुल करीब चला जाता है। इतनी ही देर में सिक्योरिटी गार्ड उस रॉकेट लॉन्चर को भी ले आता है। एलेक्स उस रॉकेट लॉन्चर से स्पाइडर के पिछले वाले हिस्से को उड़ा देता है, जिससे स्पाइडर के चीतड़े उड़ जाते हैं और फाइनली जानलेवा मकड़ी का खात्मा हो जाता है, जिससे सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेजर एलेक्स को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक और मुसीबत आ गई है, जहां पर मॉनिटर स्क्रीन पर हम एक काफी बड़े कॉकरोच को देखते हैं जो कि बिल्कुल स्पाइडर की तरह बिल्डिंग पर चढ़ रहा था। और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।